आरपीएससी में भ्रष्टाचार कोई नया मामला नहीं है। आखिर आरपीएससी का मेंबर और चेयरमैन इतनी संपत्ति कहां से लाता है? देखिए, आरपीएससी के अंदर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और अभी वर्तमान जो आरपीएससी के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह यादव को बनाया, वो सिर्फ उनको इसलिए इस पद से नवाजा गया कि इन्होंने जब गहलोत सरकार गिर रही थी तब विधायकों के फोन टेप किए, सांसदों के फोन टेप किए और सरकार के कहे अनुसार कई लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे भी दर्ज किए गए थे, इसलिए उनको इनाम स्वरूप आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया। अभी जो 23 लाख घूस का मामला था जिसमें एक मेंबर का नाम आया, यूडीसी पकड़ा गया, और इसकी तह तक अगर ऐसी भी जाएगी तो निश्चित रूप से मेंबर के साथ साथ चेयरमैन तक इसके तार जुड़े हुए। और ये आरपीएससी में भ्रष्टाचार कोई नया मामला नहीं है। मैंने पहले भी हाउस के अंदर जब बीजेपी सरकार थी तो आरपीएससी में जब हबीब खान गौरान चेयरमैन थे उस समय मामला उठाया था, उन्होंने अपनी बेटी को नंबर दिलवाए, उसके बाद गिरफ्तार होकर उनको जेल भी जाना पड़ा। निश्चित रूप से आरपीएससी की साख पर बट्टा लग गया। मेहनत करने वाला हर अभ्यर्थी यही सोचता है कि मेरी सेटिंग हो जाए, मेहनत से मैं नहीं आ पाऊंगा। एक डर तमाम राजस्थान के मेहनतकश किसान के बेटों के मन में रहता है कि हम इतनी मेहनत करें, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इंटरव्यू जब आता है तो किस तरह भटकते रहते हैं इंटरव्यू में नंबर के लिए। और जब हबीब खान गौरान से पहले के जो चेयरमैन थे उनके ऊपर भी भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगे, उन्होंने अपने 10-20-50 रिश्तेदारों को घर बैठे ही बुला के और आरएस बना दिया था। उसके बाद के जीते भी थे, आपके एक कुमाऊ जीत है बीजेपी राज के अंदर, फिर आपके दूसरे एक आए ये ललित के पमार, दीपक उपरेती, ये आज वर्तमान जो चेयरमैन है शिव सिंह राठौड़, जिनकी अथाग संपत्ति, शिव सिंह राठौड़ ने तो मेरे हिसाब से 200 करोड़ से ज्यादा संपत्ति इकट्ठी कर ली। इन सब की जांच होनी चाहिए। आखिर आरपीएससी का मेंबर और चेयरमैन इतनी संपत्ति कहां से लाता है, इसकी सरकार जांच करे। और मेरा तो ये कहना कि मामला राजस्थान सरकार को सीबीआई को ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि आरपीएससी की साख पर बट्टा लग गया है। कोई भी व्यक्ति आरपीएससी पर भरोसा नहीं कर रहा है। और अशोक गहलोत एक तरफ तो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा स्टेट के अंदर, और एक तरफ खुलेआम छूट दे रखी है। और अब तो ऐसे हालात हो गए कि विधायक खुद मुख्यमंत्री बने हुए अपने अपने इलाके के अंदर, और वसुंधरा गहलोत का जो गठबंधन है वो जग जाहिर है। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर तरस आता है जो अभी इनको आज आरपीएससी का भ्रष्टाचार दिखाई दिया, जब परिवहन घोटाला हुआ और प्रताप सिंह खाचरियावास पर सीधे सीधे आरोप लगे थे कि अगर पूरी जांच सीबीआई की होती तो प्रताप सिंह मुलजिम बनते। उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता नहीं बोला, क्योंकि प्रताप सिंह का और बीजेपी के जो बोलने वाले ज्यादा बोलते हैं, जो आजकल नेता जिनकी फोटोएं छपती है अखबारों के अंदर रोज, जो अपने आप को नेता और सारा कहते हैं सदन के अंदर, वो उस दिन सदन से चले गए थे। सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने परिवहन घोटाले के अंदर भ्रष्टाचार की जांच की मांग सीबीआई से करी, धरने पर भी बैठे राजस्थान के अंदर, प्रदर्शन भी किया था। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी याद दिलाना चाहता हूं कि खाली आगे बयान देके और आप पीछे खिसक जाते हो। आरपीएससी के अंदर जो भी घोटाले घपले हुए पिछले 15 साल के अंदर, उन सब की जांच होनी चाहिए, प्रत्येक मेंबर की, चेयरमैन की, उनके करीबी रिश्तेदार कौन बने, भर्तियां क्यों अटकी हुई आरपीएससी के अंदर, बार बार पेपर रद्द क्यों हो रहे, इन मामलों की भी जांच होनी चाहिए। आरपीएससी पर आम जन का भरोसा कैसे बढ़े, इस मामले में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी पुनरावृत्तियां वापस नहीं हो।